से तेज चलने वाले रथ पर श्री भरत लाल जी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी भरत लाल जी को रथ के घोड़ों की जो चाल है वो भी कम लगती है। और सारी सृष्टि को श्री भरत लाल जी देख रहे हैं कि इतनी उदास पड़ी है। आज किसी भी नदी से कोई पानी कलकल निनाद नहीं कर रहा है, सारी नदियाँ ऐसा लग रही है जैसे नदियाँ रो रही है। वृक्ष को देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे ये धरती कब फट जाए और हम इस धरती पर समा जाए। जितने भी पंछी हैं एक भी कलरव गान नहीं कर रहे, आज उनकी सबकी आवाज़ ऐसी लग रही है जिससे सारे लोग रो रहे हैं। श्री भरतलाल जी ने देखा कि सारी सृष्टि को क्या हो गया है, आज कोई भी प्रसन्न क्यों नहीं है। लेकिन जब एक महापुरुष की विदाई इस संसार से पापी व्यक्ति की विदाई होती है तब तो ये पृथ्वी माँ और ये सृष्टि भी हंसती है, लेकिन एक महापुरुष की विदाई होती है तो सारी सृष्टि और पृथ्वी माँ भी रोती है कि आपकी आवश्यकता हमें अब भी है। यह देख करके भरत लाल जी, ये सारी सृष्टि उदास है और श्री राम जी जैसी संतान को प्रकट करने वाले महापुरुष श्री महाराज दशरथ जी की विदाई में सृष्टि रोए भी तो कौन बड़ी बात है। तेज गति से रथ आया, अयोध्या की सीमा में रथ ने प्रवेश किया। तो यहाँ पर अयोध्या की जो दशा श्री भरतलाल जी ने देखी, आज पहली बार अयोध्या के ऐसे दर्शन श्री भरतलाल जी ने किए हैं। बचपन से जिस अयोध्या में खेलते हैं श्री भरतलाल जी, आज ऐसी अयोध्या का दर्शन किया कि जीवन में कभी भी ऐसी अयोध्या दिखी नहीं है। कैसी संपूर्ण अयोध्या उजड़ी हुई है और ऐसी लग रही है कि सफ़ेद साड़ी पहने हुए कोई विधवा नारी खड़ी हो, उसी तरह अयोध्या की दशा हो गई है। श्री भरतलाल जी ने चारों तरफ देखा तो मन में सोच रहे कि आज किसी भी गौ घाट पर कोई गौ माता पानी क्यों नहीं पी रही है, ये मेरी अयोध्या की स्थिति कैसे बिगड़ गई है, क्या हो गया मेरी अयोध्या में, आज किसी भी पनघट पर कोई माता पानी क्यों नहीं भर रही है, आज किसी भी मंदिर में वेद पाठ का उच्चारण क्यों नहीं कर रहे ब्राह्मण लोग, आज किसी भी मंदिर में घंटी की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, आज कोई भी बच्चा सुंदर गीत क्यों नहीं गा रहा है, आज कोयल सुंदर गान क्यों नहीं कर रही है। और चारों तरफ श्री भरतलाल ने देखा कि पूरा ही वातावरण बिगड़ा हुआ है। बार बार मन हुआ कि नीचे उतर के पूछ लूं कि अयोध्या में कुछ बिगड़ा तो नहीं, कुछ खराब तो नहीं हुआ, लेकिन फिर मन में आता है कि नीचे जाऊं कुछ बुरी खबर सुना दे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, इसलिए वापस श्री भरतलाल जी रथ पर आ जाते हैं। और अयोध्या में जैसे ही लोगों ने देखा श्री भरतलाल जी को तो आधे लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, खिड़की बंद कर ली कि नहीं देखना है इनका चेहरा, ये वही भरत जी हैं, इनकी माँ ने श्री राम को वन दिया है तो निश्चित रूप से श्री भरत का हाथ भी इनके वनवास में होगा ही होगा। तो आधे लोगों ने कहा कि आपकी कई सारी पीढ़ियां नरक में चली जाएगी अगर श्री भरतलाल जी पर तुम इस तरह बिना प्रमाण के लांछन लगाओगे। और श्री भरतलाल जी का रथ तेज गति से बढ़ता हुआ श्री माँ कैकई के महल के सामने रुका। तो मैया कैकई को जब सूचना मिली
तो हाथ में थाली आरती की लेकर के आगवानी करने के लिए आती है, और इधर जिन लोगों को शंका थी श्री भरतलाल जी पर कि श्री राम जी के वनवास में भरत का हाथ है, उन लोगों की शंका यकीन में बदल गई। लोगों ने देखा कि देखो अगर इनका हाथ इनकी माँ के साथ में नहीं होता श्री राम के वनवास में, तो आज सबसे ज्यादा इनकी आवश्यकता श्री माँ कौशल्या को है। तो इनको माँ कौशल्या के महल में जाना था कि यहाँ पर आ गए हैं, तो निश्चित रूप से इनका हाथ श्री राम के वनवास में होगा। आधे लोगों ने कहा कि बिना प्रमाण के आप इन पर ये लांछन नहीं लगा सकते। इधर मैया केकई हाथ में थाली लेकर के आती है द्वार पर, और आरती उतारने के लिए जैसे आई, अब देखो जिनके पति का पार्थिव शरीर तेल की नाव में पड़ा है, वही मैया हाथ में थाली आरती की लेकर के बालक की आगवानी करने के लिए आती है। ये किसका असर है? ये कुसंगत का असर है। मंथरा ने जो भाषण दिया था उसका असर मैया पर है। जिनके पति का शरीर तेल की नाव में पड़ा है, वो मैया हाथ में थाली लेकर के द्वार पर आरती लेकर के आती है। भरतलाल जी की आगवानी करके जैसे श्री भरतलाल जी को अंदर ले गई, तो भरतलाल जी ने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है। श्री भरतलाल जी इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि श्री भरतलाल जी ने सोचा कि मेरी ये अयोध्या उजड़ गई है, तो इसकी दशा इसलिए उजड़ी होगी, शायद यहाँ पर कोई ना कोई घटना घटी होगी, तो मेरे भैया श्री राम जी से मैं मिल लूँ ताकि मेरी चिंता दूर हो जाए। और श्री राम जी अधिकतर श्री माँ केकई के महल में रहते हैं, तो श्री राम जी से मिलने के लिए श्री भरतलाल जी केकई माँ के महल में गए, लेकिन लोगों ने उल्टा अर्थ लगाया कि इनका भी हाथ होगा इसीलिए ये माँ केकई के महल में जा रहे हैं। और जैसे अंदर आए मैया से पूछा, माँ ने कहा कि बेटा बताओ मायके में सब ठीक है? तो श्री भरतलाल जी ने कहा कि हाँ माँ तो सब ठीक है, आप तो ये बताओ कि अयोध्या में कुछ ठीक है कि नहीं है? तो मैया केकई ने कहा कि बेटा सब कुछ मैंने संवार दिया था, केवल बीच में एक काज बिगाड़ दिया है विधाता ने। बोले वो क्या बिगाड़ दिया और क्या आपने संवार दिया? तो श्री भरतलाल जी की माँ केकई ने कहा कि बेटा तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया है। ये सुनते श्री भरतलाल जी धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए और रोते हुए कहते हैं कि पिताजी आपने भैया को हमको सुपुर्द नहीं किया, बहुत जल्दी किया आपने जाने में। और तब श्री भरतलाल जी ने माँ से पूछा कि मैया आप ये बताओ कि मेरे पिता के जाने की अवस्था नहीं थी फिर भी वो चले गए हैं, तो कोई ना कोई कारण तो होगा, क्योंकि मैं जब गया था तब मेरे पिता स्वस्थ थे, तो अचानक उनकी मृत्यु कैसे हो गई? तो मैया केकई मन में तो डर रही है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए श्री माँ केकई ने सारा वृतांत जब सुनाया, आदि से अंत तक जब सुनाया, और श्री भरतलाल जी ने ये शब्द सुने कि तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष रामो वनवासी, यह सुनते ही भरतलाल जी स्थिर हो गए, खंभे की तरह खड़े हो गए, श्वास बंद हो गई, आंखों ने पलके झपकाना बंद कर दिया और खंभे की तरह खड़े हो गए। तो मैया केकई ने इस घटना का अर्थ लगाया कि इसलिए खड़ा है, देखो मुझे तो डर था कि श्री राम के वनवास का प्रसंग सुनकर के दुखी हो जाएगा और मुझे डांटेगा, लेकिन मैं तो प्रसन्न हूँ, इसे श्री राम के वनवास का कोई दुख नहीं है, पिता के मरण का दुख है इसलिए धरती पर गिर गया रोते रोते, लेकिन भैया के वनवास का बिल्कुल भी दुख नहीं है, देखो स्थिर रूप से खड़ा है इसलिए मेरा टेंशन दूर हो गया। लेकिन माँ ने क्या, माँ सोच ही नहीं पाई कि चोट दो प्रकार की होती है। पहली प्रकार की चोट ये है कि अगर लगे और रक्त बहने लगे तो दिखने में वो चोट कैसी लगेगी कि रक्त ज़्यादा बह गया है, चोट ज़्यादा लगी है, पर जो रक्त बह गया है वो चोट तो सही भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को चोट लगे, वो गिरे और चोट लगे और काला काला ब्लड जम जाए, तो वो दिखने में ऐसा लगेगा कि नहीं चोट ज़्यादा गहरी नहीं लगी है, काला काला ब्लड ही जमा है, पर वास्तव में देखा जाए तो जो काला ब्लड है वो खराब रहता है, डॉक्टर लोग उसे निकालते हैं, नहीं तो आने वाले समय में वो भयंकर बीमारी का कारण बन जाता है। तो मैया केकई ने सोचा कि श्री राम के वनवास का प्रसंग सुनाना तो इसे कोई कष्ट नहीं है, और महाराज दशरथ जी के मरण का समाचार सुना तो ये दुखी था, इसका मतलब मैंने जो कुछ किया है वो अच्छा किया है। थोड़ी देर में श्री भरतलाल जी होश में आए और कहा कि मैया एक बात बताओ कि तुम हो कौन? तुम मेरी माँ केकई नहीं हो सकती हो, मेरी माँ केकई तो वो है जिसने अपने आंचल में श्री भरत को दूध नहीं पिलाया, उससे कई गुना ज्यादा दूध
श्री राम को पिलाया है, इसलिए मेरी माँ श्री राम के विरोधी नहीं हो सकती, आप कौन हो? और फिर रोते हुए श्री भरतलाल जी ने कहा कि मैया, जिस समय आप वरदान मांग रही थी तो आपकी जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुए? आपका हृदय टूट करके गिरा क्यों नहीं? आपकी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़े मैया? ये आपने मेरा हित नहीं किया है। आपने तो मैया वही मूर्खतापूर्ण काम किया है कि कोई व्यक्ति पेड़ के तने को काट दे और पत्तियों को सींचे कि वापस पेड़ बड़ा हो जाएगा, तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? पत्तियों को सींचने से पेड़ कभी विकसित नहीं होता है मैया। मुझे संसार में आपने भ्रातृद्रोही साबित कर दिया है, और यही करना था तो मैया मेरे जन्मते ही आप मेरा गला दबा देती, मेरे प्राण ले लेती, तो मैं आपको दुआ देता, प्रसन्न रहता मैया। लेकिन आपने क्या किया? और इतना भयंकर क्रोध आया श्री भरतलाल जी को कि आज सारी मर्यादा टूट गई, और मन में ऐसा हो रहा श्री भरतलाल जी की दौड़ करके जाऊं और इसका गला दबा दूं, इसको मार दूं, क्योंकि श्री राम के विरोधी को जीने का अधिकार नहीं है। तो जैसे आगे बढ़े मारने के लिए, तो श्री भरतलाल जी को याद आ जाती है रघुवंश की परंपरा कि मैं इसको तो मार दूंगा, लेकिन कल से लोग रघुवंश की परंपरा पर उंगली उठा करके कहेंगे कि देखो ये रघुकुल का, रघुवंश का जो बालक है, इसने अपने पिता की हत्या, अपनी माँ की हत्या कर दी। रघुवंश की परंपरा की भी चिंता नहीं करो तो कल से लोग मेरे पिता पर उंगली उठाएंगे कि देखो राजा दशरथ के लाल ने उसकी माँ का ही वध कर दिया। अगर उसकी चिंता भी नहीं करूँ तो कल से मेरे भैया जब वन से आएंगे तो उनकी तरफ लोग उंगली उठा करके देखेंगे और कहेंगे कि देखो श्री राम के भाई ने अपनी माँ का वध कर दिया। तो उस समय मेरे प्रभु का जो ध्यान, मेरे प्रभु की आंखें नीची हो जाएगी, मस्तक नीचा हो जाएगा, इसलिए इसको मार भी नहीं सकता हूँ। और उसी समय मंथरा बंठन करके आई कि मैंने अच्छा काम किया है ना, तो मुझे इनाम मिलेगा। शत्रुघ्न महाराज जी को क्रोध तो आ ही रहा था, एक मुष्टिका का प्रहार जैसे ही मंथरा पर किया, मंथरा धड़ाम से भूमि पर गिर गई। श्री भरतलाल जी ने कहा कि इसको मारने से भैया नाराज होंगे भैया, इसलिए चलो हमारे जैसे पापियों का पाप वो गंगा रूपी श्री कौशल्या मैया के चरणों में ही धुलेगा। तो यह कह करके भरतलाल जी ने शत्रुघ्न लाल जी का हाथ पकड़ा और महल से अब निकलते हैं। तो पीताम्बर में अपना चेहरा छुपा लिया श्री भरतलाल जी ने और दौड़ करके श्री मैया कौशल्या के पास में जाते हैं, चरणों में गिर गए। कौशल्या मैया ने गले से लगाया। श्री भरतलाल जी ने कहा कि मैया, मेरी जैसी संतान को संसार में प्रकट होना नहीं चाहिए था, और अगर हुई तो मेरी माँ केकई जैसी माँ को इस संसार में होना नहीं था, और अगर हुई तो उसे बांध ही रह जाना चाहिए था। बार बार मैया कौशल्या समझाती है। श्री राम जी, श्री भरत लाल जी ने कहा कि मैया, मेरे कारण आपको वैधव्य स्वीकार करना पड़ा, मेरे कारण आपको आपके लाडले श्री राम को वन में जाना पड़ा। इतनी करुणा में डूबे हुए श्री राम जी, श्री भरत लाल जी, मैया के कौशल्या मैया बार बार समझाती है। भरतलाल जी चरणों में गिर करके दाएं चरण पर हाथ रख करके कहते हैं कि मैं सूर्य और इस धरती को साक्षी मान करके माँ कौशल्या आपके चरणों की सौगंध लेकर के कहता हूँ कि जिस तरह कोई गौ माता का वध कर दे और उस व्यक्ति की जो दुर्दशा हो मैया वो मेरी हो, यदि श्री राम के वनवास में मेरा हाथ हो। जिस तरह कोई गर्भवती स्त्री का वध कर दे और उस व्यक्ति की जो दुर्दशा हो मैया वो मेरी हो, यदि श्री राम के वनवास में मेरा हाथ हो। जिस तरह कोई व्यक्ति अनर्गल प्रवचनों को सुन करके अपने ग्रंथ गीता रामायण भागवत इन सारे ग्रंथों को बाहर फेंक दे, बेच दे, उनकी जो दुर्दशा हो मैया वो मेरी हो, यदि श्री राम के वनवास में मेरा हाथ हो। और तो और क्या कहूँ मैया, मैंने बहुत सारे नरकों का वर्णन शास्त्रों में सुना है, वो सारे नरक इस भरत को मिले यदि श्री राम के वनवास में भरत का हाथ हो। जैसे बात सुनी मैया कौशल्या ने मुख पर हाथ रख दिया, बोले भरत सावधान, आज के बाद में तुम ऐसी बात कभी मत कहना, श्री राम को तुम अति प्रिय हो और तुमको श्री राम अति प्रिय है, इसमें ना मंत्रा का दोष है ना केकई का दोष है, इसमें तो विधाता का दोष है, इसमें किसी का दोष नहीं। इतने में वशिष्ठ महाराज जी आए। वशिष्ठ महाराज जी ने कहा कि भरत जल्दी से चलो, और कर्तव्य पालन का समय है, रोने का समय नहीं है। सरयू माँ के किनारे सुंदर चिता का निर्माण हुआ। महाराज दशरथ जी के पार्थिव शरीर को तेल की नाव से निकाला, कई सारे मंत्रों से अभिषिक्त किया है, तीर्थों के जल से अभिषेक किया है,
और उसके बाद में श्री महाराज दशरथ जी की जो यात्रा है वो यहाँ से निकलती है। सारे अयोध्या के लोग पीछे पीछे चल रहे हैं और महाराज दशरथ जी को सरयू माँ के किनारे अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सारे लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री के किनारे आते हैं, श्री महाराज दशरथ जी को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सारे लोग लौट करके आते हैं और 12-13 दिन तक श्री भरत लाल जी ने ऐसी दिव्य करनी करी है अपने पिता के लिए कि ना तो कोई पुत्र कर पाया था, ना कर पाया है, ना कर पाएगा। इस तरह की सारी रीति रिवाज श्री भरत लाल जी ने किए। 13 दिन के बाद में रात्रि के समय श्री वशिष्ठ महाराज जी ने मंत्रियों की मीटिंग बुलाई है और सारे मंत्रियों से रात में ही कह दिया है कि कल सुबह सभा में मैं जो कुछ भी बोलूं आप लोगों को बीच में कुछ बोलना नहीं है, केवल मैं जो जो भी कहूं उसमें केवल सिर हिलाना है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पहले के मंत्रियों को अधिकार होता था अपनी एडवाइस देना, अपनी सलाह देना, तो बीच में बोल सकते थे। तो वशिष्ठ महाराज जी ने कहा कि कल सभा में जो जो भी मैं कहूँ आपको सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं है कुछ भी। मंत्रियों ने कहा ठीक है महाराज। कल सुबह सभा लगी, सारे लोग बैठे हुए हैं, श्री भरत लाल जी दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हुए और उसी समय
श्री वशिष्ठ महाराज जी उधर से चल करके जब आए तो वशिष्ठ महाराज जी ने आज देखा कि अयोध्या का सिंहासन सुना पड़ा है। वशिष्ठ महाराज जी की आंख में भी आज आंसू आ जाते हैं कि आज पहली बार अयोध्या का सिंहासन श्री महाराज दशरथ जी से विरक्त पड़ा हुआ है। पर गुरु जी ने सोचा कि अगर मैं रहूंगा तो सारे लोगों का धैर्य टूटेगा, इसलिए श्री वशिष्ठ महाराज जी अपने आप को संभालते हैं और फिर कहते हैं कि भरत खड़े हो, ये रोने का समय नहीं है, कर्तव्य पालन का समय है। आपके पिता ने श्री राम को वन दिया इसलिए वो वन में गए हैं, आपको अयोध्या का शासन दिया है, राजगद्दी दी है, इसलिए आप अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार करो। तो श्री भरतलाल जी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा कि गुरु जी आज मैं आपके सामने बोलूँगा कुछ भी तो आप बुरा मत मानना, मेरी एक बात सुनिए। आप कह रहे कि मैं अयोध्या का सिंहासन संभालूं, मुझ भरत के सिंहासन की राज तिलक की केवल चर्चा हुई थी, भरत सिंहासन पर बैठा नहीं था और चर्चा मात्र से पूरी अयोध्या उजड़ गई। अगर मैं इस सिंहासन पर बैठ गया ना गुरुजी तो ये सिंहासन ये धरती जो है ये सिंहासन जो है धरती सहित पाताल में चला जाएगा। इसीलिए ये जो सिंहासन है ये धरती में समा जाएगा, मुझ जैसा पापी सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। इसीलिए भरत लाल जी ने मना किया कि गुरुजी मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। श्री वशिष्ठ महाराज जी ने दूसरा प्रश्न किया कि अच्छा कोई बात नहीं, इस बार बैठ जाओ, 14 वर्ष के बाद में जैसे श्री राम जी आए तो तुम श्री राम जी को राजगद्दी सौंप देना, तो श्री राम जी इस सिंहासन पर बैठेंगे, आप सेवा करना। तो भरत लाल जी ने कहा कि गुरुजी क्षमा करना, मैं आपको शिक्षा नहीं देने जा रहा हूँ, मैं आपसे कुछ कहने जा रहा हूँ। क्या बोले, जिस सिंहासन पर मैं बैठूंगा तो मेरे साथ में रानी बनने के लिए महारानी बनने के लिए मेरी पत्नी मांडवी बैठेगी, और जिस सिंहासन पर मेरी पत्नी मांडवी बैठ जाएगी छोटे भाई की पत्नी, उस सिंहासन पर श्री राम जी कल्पना में भी बैठेंगे नहीं, तो फिर तो श्री राम जी के वन से आने की जो कल्पना है वही हमको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए गुरुजी मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। गुरुजी ने तीसरा प्रश्न किया कि भरत आपके पिता की इच्छा थी कि तुम राजगद्दी पर बैठो और श्री राम वन में जाए, तो देखो श्री राम वन में गए, आपके लिए राजगद्दी है इसलिए तुम इस पर बैठो। तो श्री भरत लाल जी ने कहा कि गुरुजी आप जो कह रहे हैं ये मेरे पिता की इच्छा नहीं थी, मेरे पिता की इच्छा ये थी कि मैंने गुप्तचरों के द्वारा सारा वृतांत मैंने जान लिया है, मेरे पिता ने अंतिम शब्द मेरी माँ केकई से यही कहा था कि केकई तू भले ही अयोध्या को उजाड़ना चाहे उजाड़, लेकिन अयोध्या कभी भी उजड़ेगी नहीं, अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम ही बैठेंगे और भरत तो मेरी संतान है, जन्म भले ही तुमने दिया है लेकिन संस्कार मैंने दिए हैं, मेरी संतान भरत कभी भी राज सत्ता के लिए लड़ाई नहीं करेगा, वो अपनी मर्यादा को जानता है, अपने संस्कार को जानता है, श्री राम ही सिंहासन पर बैठेंगे और भरत तो केवल सेवा करेगा, इसलिए तू कितनी भी कोशिश कर लेकिन तेरा जो मनोरथ है वो कभी भी पूर्ण नहीं होगा, इसलिए केकई ये अयोध्या तो वापस ऐसे ही बसेगी, अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम ही बैठेंगे और भरत तो सेवा करेगा। तो गुरु जी मेरे पिता की इच्छा जो आप बता रहे वो नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ ये मेरे पिता की इच्छा है, और अगर आपके कहे अनुसार मैं सिंहासन पर बैठ गया ना तो मेरे पिता वह स्वर्ग में मेरे नाम से रोएंगे कि भरत मैं तो तुम्हारी माँ के वचन के अधीन था लेकिन तुम्हारी कौन सी व्यवस्था थी, तुम्हें कौन सी बाध्यता थी कि तुम श्री राम तक नहीं पहुंचे। अब श्री गुरु जी ने मंत्रियों की तरफ देखा कि अब तुम्हारे क्या विचार है इस संत के प्रति। अब गुरुजी तो श्री भरतलाल जी को जानते हैं लेकिन भरत जी की महिमा को प्रकट करना चाहते थे गुरुजी, क्योंकि मंत्रियों की खोपड़ी में एक शंका चल रही थी कि कितना भी करें तो निश्चित रूप से अयोध्या का जो राज्य है उसको देख करके कुबेर भी लज्जित हो जाता है, तो भरत जी थोड़ी सी मनवार करने के बाद में सिंहासन पर बैठ ही जाएंगे।